ये है गजराज दरबार, जो कि इसका गेट ये है और अंदर का व्यू चलिए आप सभी को दिखाते हैं। ताला लॉक है लेकिन फिर भी हम लोग जाएंगे। ये देख सकते हैं ये बागी स्टेट ही है, बागी स्टेट पर ही ये मंदिर के जस्ट बगल में है गजराज दरबार। तो ये देख सकते हैं आप सभी, ये गजराज दरबार है जो कि ये बहुत फेमस तो नहीं है, मतलब क्योंकि विलेज एरिया में है तो इतना पता नहीं है सभी को, लेकिन ये बहुत पुराना बिल्डिंग है। ये राजा महाराजा का हुआ करता था दोस्तों। और ये बता दूँ आप सभी को कि यहाँ के लोगों से मुझे मालूम चला है कि ये जो बीच में जो पिक्चर दिख रहा है, ये हमें जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं ये इन्हीं का ये पूरा चीज़ था, जो कि बागी स्टेट पूरा सभी चीज़ इन्हीं का था। ये देख सकते हैं फिर भी अभी अंदर में देख सकते हैं इतना खूबसूरत फूल वगैरह लगाया हुआ, लेकिन साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे धान की खेती होती है, कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं है, कोई देखभाल नहीं है विशेष करके। और इसको बढ़िया से इसको कुछ इस तरीका से बनाता, मतलब फेमस करता और मतलब कुछ हिस्टोरिकल पैलेस में इसको काउंट किया जाता दोस्तों, तो बहुत मज़ा आता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ये देख सकते हैं आप लोग ये वीडियो में। ये बागी स्टेट में ही दोस्तों गजराज दरबार, जो कि आप देख सकते हैं अंदर का ये है, ये देख सकते हैं वाइट फूल है, जो कि ये फूल का तो नाम मुझे पता नहीं है दोस्तों, अगर आप सभी को पता है तो कमेंट कीजिए ये कौन सा फ्लावर्स है। और इधर भी देख सकते हैं रेड रेड है और इधर भी देख सकते हैं वाइट है। दोस्तों ये तो ऐसा लग रहा है, पत्ता देखने से लग रहा है केला का पत्ता, लेकिन ये दोस्तों ये केला का पत्ता नहीं है, कुछ और ही है, देख सकते हैं दिखाई दे रहा है ना आप सभी को, ये केला का पेड़ नहीं है, कुछ और पेड़ है, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ रहा है दोस्तों, आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए। सकते हैं गजराज दरबार, जो कि यहाँ का ये राजस्थान में जब आप जाएंगे पुराने राजा महाराजा के पास में तो किला कुछ इस तरीका से ही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, लेकिन यहाँ में देख सकते ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं है, देख सकते आप लोग। ये देख सकते हैं पुराने जमाने का पंखा, जो कि ऐसे पड़ा हुआ है, चलता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन बहुत पुराने जमाने का दोस्तों। और यहाँ में कुछ इमेज है, ये देख सकते हैं भाई लोग इधर में आए हुए हैं, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं हम मेरा खास करके, इधर में हम कभी आए हुए नहीं थे, ये बोले चलिए हम अंदर में लेके चलते हैं और दिखाते हैं गजराज दरबार के अंदर में, नहीं तो मैं तो बाहर से ही वीडियो बना के चला जाता दोस्तों, लेकिन ये भाई बोले चलिए अंदर में मैं हूँ, तो हम आ गए, एक अंदर पड़ा हुआ दोस्तों, इधर में कुछ है नहीं। देख सकते हैं ये सब दरवाज़ा है, क्योंकि पुराने जमाने में देखिए दरवाज़ा तो है, साथ में इसे एक्स्ट्रा कुछ सेफ्टी टाइप का बनाया हुआ है, देख सकते हैं। और ये सब देख सकते हैं ताला लॉक है, इसको बंद किया गया हुआ है, बंद करके रखा है, ऐसे ही पड़ा है। और ये सब देख सकते हैं ये सब टूट रहा है धीरे धीरे, कोई मेंटेनेंस नहीं होने से दोस्तों टूटेगा ही। लेकिन बहुत सारा पिक्चर वगैरह भी इधर में फोटो वगैरह लगा हुआ है, देख सकते तस्वीर है पुरानी, और कौन कौन से लोग हैं तो अंदर तो हम लोग जा नहीं पा रहे, ये बंद बंद किया हुआ है, ताला मारा हुआ है, इसी के अंदर से हम सब सभी को दिखा रहे हैं। सकते हैं पुराने जमाने का ताला, बाप रे इतना बड़ा, ये देख सकते हैं ये हटाएंगे इसका फिर कैसा चाबी होगा, देख सकते हैं ये क्या लॉक है मालूम नहीं दोस्तों, देख सकते हैं इतना बड़ा ताला, ये देख सकते हैं ताला। स्वर्गीय हरिनंदन साहब जन्म 1912 है, कौन दिन थी 1968 में है, ये देख सकते हैं हरिनंदन साहब 1957 में पुण्य थी। और ये तीसरा पर्सन है स्वर्गीय देवानंद साहब, जन्म 1901 में और पुण्यतिथि उनका 1962 में। इधर भी कमरा है और साथ में मतलब गेट सब लगी हुई है, बंद है अंदर की तरफ, तो अंदर में जाने चले दोस्तों। और ये क्या बनाया दोस्तों मालूम नहीं, पुराने जमाने में क्या क्या बनाया जाता दोस्तों। और साथ में अच्छे अंदर में खिड़की के जैसा जेल के जैसा बनाया हुआ दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा।
दरवाजा टूटा उसी के अंदर से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले के ज़माना में इतना बड़ा सोफा सेट और ये चेयर वगैरह बहुत ही एक अलग ही दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ रहा है पुराने चीज़ें देख कर। बेड वगैरह चेयर देख सकते हैं, ये इतना लंबा और ये देख सकते हैं। इन लोगों का वंश शायद ख़त्म हो चुका है और ये लोग अब नहीं रहे इस दुनिया में, इसलिए ये सब दरबार बन के रह गया है। देखिए ये मुंडी घुसा लिया है, मुंडी इसका निकाल नहीं रहा है गर्दन, देख सकते हैं इतना पतला निकल गया देख रही है घुसा लिया था। तुम लोग का घुसाना है क्या मुंडी? नहीं घुसाना है, काट ले बंद दरवाजा। देख सकते उस जमाना में मतलब दाना बैठाया हुआ है ये सब पूरा फ्लोर में, पूरा दाना मार्बल्स नहीं है, दाना का काम किया हुआ है। पहले तो दाना ही चलता था, अभी मार्बल स्टाइल बहुत ज़्यादा आ गया है। देख सकते हैं दोस्तों, और ये देख सकते हैं तस्वीरें हैं। पानी भरा हुआ है, पहले के जमाने में कुआं यूज होता था, इसलिए इस प्रांगण में कुआं भी है और इनमें धान का खेती हो रहा है। देखते हैं नारियल गाछ भी लगा हुआ है, बहुत सा अशोक का वृक्ष है। ये है किला का व्यू, गजराज दरबार, जो कि ये राजस्थान में आप जाएंगे तो इस तरीके का ही बिल्डिंग देखने को मिलेगा, बहुत सारा पुराना इमारतें। जो हमको तो यहाँ में आने से हमको लग रहा है कि मैं राजस्थान में घूम रहा हूँ, राजा महाराजों के शहर था ये मालूम चला। ये दरअसल गजराज दरबार है, यहाँ भी राजा ही रहते थे दोस्तों। देख सकते हैं हम लोग का अपना गाँव में